हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आप सभी की डिमांड के साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एससी शर्मा बुक से। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, जो कि एक नए हेडिंग का क्वेश्चन है, पार्शियल गुडविल। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से हमारे जो पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर जो आएगा ना, वो कुछ ही अमाउंट पे करेगा हमारे एक गुडविल का। ठीक है, देखो जितना उसको पे करना चाहिए था वो उतना पेमेंट नहीं करेगा, कुछ अमाउंट पे करेगा, कुछ अमाउंट जो पे नहीं करेगा उस अमाउंट को हम ना उसके करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, यही सारे एडजस्टमेंट इसमें होने वाला है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है बाकी सारे क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, बट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मैं क्लास 11 की भी वीडियोस जो बनाता हूं तो अपने जूनियर्स को भी शेयर कर दिया एक बार। ठीक है, चलो तो यहां पे हमारे पास तो हमारे दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, इनका इक्वल रेशियो दिया हुआ है। सी जो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होने वाले, सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इनका रेशियो दिया हुआ था 1:1 में इनकम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड एट 70,000। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारे पास पहले कितना दिया हुआ था, 64,000, तो 64,000 से बढ़ करके 70,000 हो गया। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा बाय साइड आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो बाय बिल्डिंग कितने अमाउंट से, 6,000 से। नेक्स्ट क्या रहा है, मशीनरी एट 28,000, पहले कितना था 30,500। मतलब यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है, एसेट ही है बट यहाँ पे इनका प्राइस जो है ना घट जाएगा। ठीक, टू मशीनरी 2,500 से। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी मेंटेन फॉर 5%। ठीक है, 5% हम क्रिएट करेंगे हमारे जितने डेटर्स से उससे मतलब है, अभी जितना प्रोविजन पहले क्रिएट होकर रखा था उससे कोई मतलब नहीं है। तो 18,000 हमारे डेटर्स थे, 18,000 का 5% कितना होता है 900। अब देखो प्रोविजन कितना बना है, अब यहाँ पे देखो इनका काम बढ़ता है, 500 पहले से मेंटेन करके रखा गया था, हमने मेंटेन किया था 5%, मतलब कि 900, मतलब हमें कितना कम पड़ रहा है, 400 और। 500 तो था पहले से ही बट यहाँ पे 400 और प्रिपेयर करने की, तो 400 से और एंट्री कर दोगे बस सीधे। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यहां पे 400, तो इधर ऐड कर लो और कुछ बचा नहीं है, तो यहां पे डायरेक्ट ऐड करेंगे 6,000 इधर आ गया, 6,000 यहां पे नीचे भी आ जाएगा, तो यहां पे सीधे सीधे हमें दिख रहा है प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट 3,100। ए और बी का रेशियो 1:1 दिया हुआ था, तो कितना आ जाएगा 1,550। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल लेके जाएंगे, ए और बी का, और सी जितना कैपिटल आ रहा है बाय कैश लिख लेंगे, ये आप जानते हो। ठीक है, चलो तो इधर बाय बैलेंस बीडी लिख लेंगे सबसे पहला काम। ठीक है, तो इनका कैपिटल कितना दिया होता, 50,000 and 50,000। ठीक है, यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे बाय कैश कितना पार्टनर कैपिटल अपना ला रहा था, ऐसा कैपिटल कितना है वो कैश लेकर आ रहा था वो। ठीक है, तो कितना ला रहे थे, 30,000। ठीक है, उसके बाद बाय गुडविल, गुडविल का अमाउंट कितना था हमारे पास, 6,000। 6,000 में से वो 3,000 हम बांट लेंगे ए और बी में, इनका इक्वल रेशियो है ना 1:1 में, तो यहाँ पे 3,000 and 3,000। फिर क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास, एक और चीज है यहाँ पे रिजर्व्स, रिजर्व हमारा जो बनाएंगे वो कितने का था, 5,000 and 5,000, 10,000 टोटल था, यहाँ पे हो गया। और देखते हैं और क्या दिया हुआ था। हाँ, हमारे पास ना करंट अकाउंट बनाएंगे ना, सी का करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो जो कुछ पैसा पे नहीं कर रहा था उस अमाउंट के लिए। ठीक है, बाय सी करंट अकाउंट, और सी के कॉलम में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2,000 and 2,000 यहाँ पे। ठीक है, सेम काम इधर करेंगे, टू ए करंट अकाउंट और टू सी करंट अकाउंट, सॉरी बी करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे डैश 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 इधर लगाने के बाद 2,000 यहाँ पे और 2,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, ये वाला करंट अकाउंट हम लेके जाएंगे अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, इधर वाला अमाउंट नहीं लिख देंगे, इधर जरूर लिख जाएंगे अपने बैलेंस शीट में, इधर आप लिखोगे। ठीक है, आगे यहाँ पे एक और चीज बचती है हमारा, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कितना आया था 1,550 और 1,550 यहाँ पे डैश लगा देंगे, इधर अमाउंट जोड़ लेंगे पूरा, टोटल कितना आएगा 61,550, इसका भी सेम टू सेम है 61,550 और यहाँ पे 30,000। फिर आगे हमारे पास इधर बैलेंस निकालने का काम बचता है, बस टू बैलेंस सीडी। ठीक है,
61,550 यहाँ पे भी, और इनका कितना आ जाएगा 26,000। तो यहाँ पे जो इनका 26,000 आया ना, तो ये सेम इनका कैपिटल एज ए कैपिटल जाएगा, ठीक है। बाकी जितना अमाउंट 4,000 है वो वहाँ पे करंट अकाउंट में हम शो करने वाले हैं, ठीक। तो बैलेंस शीट यहाँ से हम अपना प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इनका कैपिटल ए का, बी का और सी का, तीनों लोग का, ठीक है। तो कितना आएगा 61,550, इनका भी सेम है 61,550 और इसका है 26,000। 26,000 क्यों था आपको पता है ना, क्योंकि उसने कुछ पैसा नहीं लेकर आया था गुडविल का, तो हम उसके कुछ पैसे काट लेंगे, ठीक है। 30,000 ला रहा था उसका, जो 4,000 रुपए को पेमेंट नहीं कर रहा था उसको हमने काट लिया, ठीक है। उतना पेमेंट उसका हमने अलग से कर लिया और इधर पेमेंट करके दिखा देंगे करंट अकाउंट, एज अ करंट अकाउंट का पैसा यहाँ पे रहेगा, ठीक। चलो और क्या है इधर, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट पे जितना था उतना ही लिखेंगे, और क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट तो हुआ नहीं था, ठीक है। तो कितना है 24,000, तो 24,000 यहाँ पे हो गया। और क्या दिया हुआ था, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारा 6,000 का था, ये लिख देंगे। और क्योंकि इसके बाद रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व हमने पहले ही बांट लिया था अपने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच में, ठीक है। फिर है बैंक। बैंक में सेम यहाँ पे वैसा ही करेंगे, बट यहाँ पे थोड़े से एडजस्टमेंट होंगे। बैंक का अमाउंट है 8,000, 26,000 वो लेकर आया, और यहाँ पे क्या था 6,000 रुपए और उसका हमारा गुडविल का पैसा दे रहा था वो वाला अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम कवर कर लेंगे यहाँ पे, तो ऐड कर लेंगे कितना आएगा, इधर आ जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लिए। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, डेटर्स। डेटर्स हमारा दिया था 18,000 का, 18,000 का उसके बाद प्रोविजन लग गया था 900, तो यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ जाएगा इधर 17,100, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ था इधर, स्टॉक। स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं था, स्टॉक पूरा लिख देंगे। स्टॉक कितना है 20,000 से। उसके आगे क्या दिया हुआ था, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू तो हमारी 28,000 हो गई थी, है ना, 28,000। फिर क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग हो गया था हमारा 70,000 यहाँ पे। और एक लास्ट काम कर देंगे, करंट अकाउंट में आ जाएगा कितना अमाउंट 4,000, जितना उसको पेमेंट करने की जरूरत थी वो वाला अमाउंट लिख लेंगे, और यहाँ पे दोनों तरफ ऐड कर लेंगे क्योंकि इधर हमारा दोनों तरफ हो ही गया है। तो कितना आएगा 1,79,100, ठीक है, यही आएगा दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ अमाउंट ऐड करके लिख लेंगे, बाद में आप सभी जरूर कैलकुलेट करके बताना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था और जहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया वो बता देना कमेंट सेक्शन में।